हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेस रिलेटिव प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोस की जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके यूट्यूब के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा, तो उस मेंबरशिप सेक्शन में आपको सभी वीडियोस की जो PDF का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। और PDF के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लास्ट में जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए मेरे स्टूडेंट्स का जो है लेवल क्या है। तो आप लोग लास्ट में स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एट द 11th आर मीन्स, तो इस idiom का जो मतलब हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। एट द 11th आर idiom का जो मतलब होता है ये होता है आखिरी पल में, मतलब कि यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा एट द वेरी लास्ट मोमेंट। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एट द 11th आर मीन्स आखिरी पल में, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एट द वेरी लास्ट मोमेंट, मतलब कि किसी भी चीज का लास्ट मोमेंट। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेलिंग इन द सेम बोट मींस, तो सेलिंग इन द सेम बोट idiom का जो मतलब हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सेलिंग इन द सेम बोट idiom का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन मीन्स होता है एक जैसी परिस्थिति में होना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। सेलिंग इन द सेम बोट मीन्स होता है बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, एक जैसी परिस्थिति में होना। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पोर ओवर मीन्स, तो पोर ओवर idiom का जो मतलब हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो पोर ओवर idiom का जो मतलब होता है ये होता है गो थ्रू, मतलब कि किसी चीज में लीन होना, मतलब कि किसी काम को इंटरेस्ट लेते हुए करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। पोर ओवर मीन्स होता है गो थ्रू, मतलब कि किसी चीज में लीन होना। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रन डाउन, रन डाउन idiom का जो मतलब हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो रन डाउन idiom का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा क्रिटिसाइज। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि किसी चीज की, मतलब किसी की आलोचना करना या फिर निंदा करना। तो रन डाउन मतलब होता है क्रिटिसाइज, मतलब कि निंदा करना या फिर आलोचना करना। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीस एनीबडीज पाम मींस, तो इस idiom का जो मतलब हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ग्रीस एनीबडीज पाम idiom का जो मतलब होता है ये होता है टू गिव ब्राइब। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि रिश्वत लेना। तो यहाँ पे ग्रीस एनीबडीज पाम मींस होता है टू गिव ब्राइब, मतलब कि रिश्वत लेना। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मीजर अप मींस, तो मीजर अप idiom का जो मतलब हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मीजर अप idiom का जो मतलब होता है ये होता है रीच द लेवल। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। रीच द लेवल मीन्स होता है कि बराबर होना। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। मीजर अप idiom का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा रीच द लेवल, मतलब कि बराबर में होना। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगले जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पुल अप idiom का जो मतलब हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो पुल अप idiom का जो मतलब होता है ये होता है रेप्रीमांड। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि डांटना। तो पुल अप idiom का जो मतलब हो जाएगा रेप्रीमांड, मतलब कि किसी को डांटना। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एट 6 एंड 7 मींस, तो एट 6 एंड 7 idiom का जो मतलब होता है आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो एट 6 एंड 7 मतलब होता है
कि दुविधा में होना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इन डिसऑर्डर या फिर कन्फ्यूजन, ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इन डिसऑर्डर या फिर कन्फ्यूजन मतलब कि दुविधा में होना, ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, या फिर तितर बितर होना, तो यहाँ पे दोनों इसके मतलब हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लॉस हेड मीन्स, तो लॉस हेड ईडियम का जो मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो लॉस हेड ईडियम का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा पैनिक, मतलब कि होश खो देना, ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉस हेड मीन्स होता है कि होश खो देना, मतलब कि पैनिक, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गिफ्ट ऑफ द गेब मीन्स, तो गिफ्ट ऑफ द गेब ईडियम का जो मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो गिफ्ट ऑफ द गेब ईडियम का जो मतलब होता है ये होता है एबिलिटी टू स्पीक वेल, ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि अच्छी भाषण क्षमता होना, एबिलिटी टू स्पीक वेल, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, टू कीप द बॉल फ्रॉम द डोर मीन्स, तो इस idiom का जो मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका right option क्या होगा। तो टू कीप द बॉल फ्रॉम द डोर idiom का जो मतलब होता है ये होता है एस्केप स्टारवेशन मीन्स, होता है कि मतलब कि किसी तरह गुजारा करना, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर मीन्स होता है एस्केप स्टारवेशन मीन्स, किसी तरह गुजारा करना, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सॉफ्ट ऑप्शन मीन्स, तो सॉफ्ट ऑप्शन ईडियम का जो मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सॉफ्ट ऑप्शन ईडियम का मतलब हो जाएगा कि आसान विकल्प, ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इजी एंड अग्रीएबल ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉफ्ट ऑप्शन ईडियम का जो मतलब हो जाएगा इजी एंड अग्रीएबल ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि इजी और अग्रीएबल विकल्प, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क ईडियम का जो मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क ईडियम का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा पुरानी बातों को लेकर परेशान होना, ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्राई ओवर इरेपेरेबल लॉस, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क ईडियम का मतलब हो जाएगा पुरानी बातों को लेकर परेशान होना, क्राई ओवर इरेपेरेबल लॉस, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, टेक टू टास्क मीन्स, तो टेक टू टास्क ईडियम का जो मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। टू क्रिटिसाइज सीवियरली मतलब कि डांटना, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टेक टू टास्क ईडियम का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा टू क्रिटिसाइज सीवियरली मतलब कि डांटना, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कैरेट एंड स्टिक मींस, तो कैरेट एंड स्टिक ईडियम का जो मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो कैरेट एंड स्टिक ईडियम का मतलब हो जाएगा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि दंड और पुरस्कार नीति जो है। तो कैरेट एंड स्टिक ईडियम का जो मतलब हो जाएगा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्लोज द बुक मीन्स, तो क्लोज द बुक ईडियम का जो मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्लोज द बुक ईडियम का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लोज द बुक ईडियम का मतलब हो जाएगा स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, मतलब कि किसी काम को बंद कर देना, ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, टू कट टीथ मीन्स, तो टू कट टीथ ईडियम का जो मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो टू कट टीथ ईडियम का मतलब हो जाएगा अनुभव प्राप्त करना, मतलब कि टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टू कट टीथ ईडियम का मतलब होता है अनुभव प्राप्त करना, टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बर्ड्स आई व्यू मीन्स, तो बर्ड्स आई व्यू ईडियम का जो मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बर्ड्स आई व्यू मीन्स होता है एन ओवर व्यू, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बर्ड्स आई व्यू मीन्स होता है एन ओवर व्यू, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रन इन द सेम ग्रुप मींस, तो रन इन द सेम ग्रुप idiom का जो मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो रन इन द सेम ग्रुप मींस होता है एडवांस इन हार्मनी, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, संबंधों को उत्तम भावना से बरकरार रखना, एडवांस इन हार्मनी, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। रन इन द सेम ग्रुप मींस होता है एडवांस इन हार्मनी, मतलब कि संबंधों को उत्तम भावना से बरकरार रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कीप योर हेड मींस, तो कीप योर हेड idiom का जो मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिमेन काम, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि मुसीबत के समय में भी शांत रहना, मुसीबत के समय में भी शांत रहना, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कीप योर हेड मींस होता है कि रिमेन काम, मतलब कि मुसीबत के समय में भी जो है शांत रहना, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, पुल स्ट्रिंग्स मींस, तो पुल स्ट्रिंग्स idiom का जो मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो पुल स्ट्रिंग्स idiom का मतलब हो जाएगा यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इन्फ्लुएंस की स्पेलिंग गलत है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए INFLUENCE ये होती है इन्फ्लुएंस की स्पेलिंग करेक्ट, ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। पुल स्ट्रिंग्स idiom का मतलब होता है यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, पोटलक डिनर मींस, तो पोटलक डिनर idiom का जो मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो पोटलक डिनर idiom का जो मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा डिनर वेयर समबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि जब हर कोई कुछ ना कुछ खाने को लाए एक बर्तन में, उसको बोलते हैं पॉटलक डिनर, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिनर वेयर समबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट, मतलब कि कुछ ना कुछ हर कोई खाने के लिए किसी एक बर्तन में लाए, उसको बोलते हैं पॉटलक डिनर, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, टू हिट बिलो द बेल्ट मींस, तो इस idiom का जो मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो टू हिट बिलो द बेल्ट मींस होता है, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा, टू अटैक अनफेयरली, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि बेईमानी करना या फिर नियम विरुद्ध लड़ना, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। टू हिट बिलो द बेल्ट मींस होता है टू अटैक अनफेयरली, मतलब कि बेईमानी करना या फिर नियम विरुद्ध लड़ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, सॉर्ट आफ्टर मींस, तो सॉर्ट आफ्टर idiom का जो मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, वांटेड बाय मेनी पीपल बिकॉज ऑफ इट्स गुड क्वालिटी और डिफिकल्ट टू फाइंड, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि बहुप्रिय या फिर लोकप्रिय, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, टू बाइट द डस्ट मींस, तो टू बाइट द डस्ट idiom का जो मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टू बी डिफीटेड, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि हार जाना। टू बाइट द डस्ट मीन्स होता है टू बी डिफीटेड, मतलब कि हार जाना, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, टू टेक टू वंस हील मींस, तो इस idiom का जो मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। टू टेक टू वंस हील मींस होता है कि टू रन अवे, मतलब कि भाग जाना, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। टू टेक टू वंस हील मींस होता है टू रन अवे, मतलब कि भाग जाना, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, टू हैव समथिंग अप वंस स्लीप मींस, तो इस idiom का जो मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीप मींस होता है, ये हो जाएगा टू हैव सीक्रेट प्लान, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि कोई गुप्त योजना का होना। टू हैव सीक्रेट प्लान, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, बाई फेयर और फाउल मींस क्या होता है, तो बाई फेयर और फाउल idiom का जो मतलब हो जाएगा, इन ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वे, ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ईमानदारी या फिर बेईमानी से, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। बाई फेयर और फाउल मींस होता है इन ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वे, ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ईमानदारी या फिर बेईमानी से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 29,
स्टेटस क्यू मीन्स, तो स्टेटस क्यू idiom का जो मतलब हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो स्टेटस क्यू मीन्स होता है एज इट इज अनचेंज्ड पोजिशन, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि पहली जैसी स्थिति, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्टेटस क्यू idiom का जो मतलब हो जाएगा एज इट इज अनचेंज्ड पोजिशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स मीन्स, तो इस idiom का जो मतलब हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स मीन्स होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, टू बी एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंड विदाउट एनी वरी, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि बहुत अधिक पैसा खर्च करना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स मीन्स होता है टू बी एक्स्ट्रावेगेंट या फिर स्पेंड विदाउट एनी वरी, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि बहुत अधिक पैसा खर्च करना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 टू हिट द जैकपॉट मीन्स, तो टू हिट द जैकपॉट idiom का जो मतलब हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स से वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।